हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने आया हूँ, जिसका नाम है अल्स्टन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, BSEIndia.com वेबसाइट का नाम है। तो इस पे उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। अल्स्टन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड 61 पैसे पे पिछले दिन ट्रेड किया है। इसका 52 वीक का हाई लो 3 रुपया 48 पैसा और 54 पैसा है, जो कि 54 पैसा कुछ ही दिन पहले बनाया था। इसमें अगर बल्क डीलिंग देखेंगे तो 22/8/2023 को सेल किया गया था 90 लाख क्वांटिटी का 69 पैसे पे, और 21/8/2023 को भी सेल किया गया था 1,20,00,000 क्वांटिटी को 66 पैसे पे। इस तरीके से है, ज़्यादा इसमें सेल ही है। बाई सिंगल है जो कि 75 लाख का है 4/5/2023 को 73 पैसे पे। कॉरपोरेट एक्शन 10/11/2023 को EGM था, करंट में न्यूज। तो इसमें न्यूज जो है वो दिखाते हैं दोस्तों। अल्स्टन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड, स्क्रिप कोड 539277। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 10 नवंबर 2023 को, सब्जेक्ट है सबमिशन ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अल्स्टन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर इंडेड September 30, 2023 एंड द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट देयर ऑन। तो ये जो हाफ ईयर इंडेड हुआ है सितंबर 30 को, उसी के रिजल्ट से संबंधित है, अनऑडिटेड रिजल्ट है, ऑडिटेड रिजल्ट नहीं है। तो इस रिजल्ट को अच्छी तरीके से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि इस रिज़ल्ट में क्या कुछ खास है या नहीं। मैं इसको कोशिश करूँगा कि अच्छा प्रकार से दिख जाए। दोस्तों तो इस रिजल्ट को पक्का देखें। मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिजल्ट जो क्वार्टरली आता है उसको भी देखना चाहिए। और फाइनल रिजल्ट आए तो उस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट बगैर देखे हुए अगर किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे आइडिया अनुसार शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट देख करके ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें, मेरा तो यही राय है। ऐसे मेरा इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी राय नहीं रहता है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही। हाँ तो दोस्तों, अल्स्टन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड
के बारे में जानते हैं। 1985 में निर्मित एल्स्टन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड कपड़े और निवेश गतिविधियों में व्यापार करता है, यानी कि किसी जगह पे निवेश करना और कपड़ा में, ये है इसका बिजनेस जो मुझे समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका मार्केट कैप 77 करोड़ 80 लाख का है। करंट प्राइस 61 पैसा पे है, 52 बिका हाई लो 3 रुपया 48 पैसा और 54 पैसा। स्टॉक पी 4.45 का है, बुक वैल्यू 1 रुपया 18 पैसा। बुक वैल्यू से नीचे में ट्रेड कम कर रही है ये कंपनी का शेयर। डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रहा है। ROC माइनस में है 0.34% और ROE भी माइनस में है 0.35%। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। इस शेयर का चार्ट देखते हैं तो ये अभी काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट मोड में है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ दिनों में अब ट्रेंड बन जाए, क्योंकि जब कंसोलिडेट करता है कोई भी शेयर का प्राइस तो उसमें अब ट्रेंड बनने की चांसेस ज़्यादा ही रहता है। और इसमें प्रोज 2 है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.52 times इट्स बुक वैल्यू, यानी कि अपने बुक वैल्यू से इतना टाइम्स पर ट्रेड कर रही है। और कौनस इसमें है, प्रमोटर होल्डिंग 10.90% है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -0.17% ओवर लास्ट 3 years। और तीसरा है अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम, अदर इनकम इसके पास काफ़ी ज़्यादा हुआ है जो कि अर्निंग में बताए हुए हैं 17.5 करोड़। सितंबर 2023 का रिजल्ट आ चुका है, सेल्स 0 है, कुछ भी सेल्स नहीं कर रही है कंपनी। एक्सपेंस 2 लाख का किया है, लेकिन इसके पास अदर इनकम 1.50 करोड़ का है। अदर इनकम के वजह से ही इस कंपनी में कुछ खास है, और नहीं तो अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है इसमें मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार ही, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। अदर इनकम नॉर्मल से ही है 1.5 करोड़ का, तो ये अच्छी बात है। अगर किसी भी कंपनी में नॉर्मल में अगर अदर इनकम शो हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है। ये इंटरेस्ट पेड किया है 1 लाख का, नेट प्रॉफिट इसका 1.47, जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर है 1 पैसा। इसका बैलेंस शीट देखते हैं तो सितंबर 2023 का शेयर कैपिटल 127 करोड़ का है, वही मार्च 2022 में मात्र 13 करोड़ का शेयर कैपिटल था। उस वक्त रिजर्व भी इसके पास 111 करोड़ का था, लेकिन मार्च 2023 से शेयर कैपिटल चेंजिंग हुआ, 127 करोड़ का हो गया और इसके पास रिजर्व 21 करोड़ का बचा। लेकिन सितंबर 2023 में शेयर कैपिटल 127 करोड़ का और रिजर्व इसके पास बढ़ करके मतलब 2 करोड़ सरप्लस हुआ, यानी कि 23 करोड़ का हो चुका है। ब्रोइंग 1 करोड़ का है और अदर लाइबिलिटीज भी 4 करोड़ का है। रिजर्व ठीक ठाक है, इसके पास गड़बड़ नहीं है। टोटल लाइबिलिटीज में इसका 6 करोड़ का वृद्धि हुआ है, जो कि अदर इनकम के इंक्लूड करने पर, यानी कि ये लाइबिलिटीज और ब्रोइंग और अदर इनकम को इंक्लूड करते हैं तो इसमें वृद्धि हुआ है, 150 करोड़ से 156 करोड़ रुपये जा चुका है।
इसका टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट में बढ़ोतरी सेम वैसा ही 150 करोड़ से 156 करोड़। हाँ, अदर एसेट में 7 करोड़ की बढ़ोतरी हो चुकी है, तो ये भी गौर करने का जगह है। और इसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा, मात्र 2 करोड़ का घटा है इस क्वार्टर में, 148 करोड़ से 146 करोड़ का, लेकिन बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। नेट कैश फ्लो 0 है, लेकिन यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं जिस तरीके से ये शो हो रहा है, तो माइनस में 1 करोड़ का होना चाहिए था मार्च 2023 में, लेकिन ये स्क्रीनर के वेबसाइट पे शो हो रहा है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है, प्रमोटर के पास में 10.91% है, FIH के पास में 0.41% है, और पब्लिक के पास में पूरी की पूरी इसका शेयर भरा पड़ा है जो कि 88.68% का है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर देखते हैं तो जून 2023 से घटा है, जो कि जहां पर कि 68,585 लोगों के पास में इसका शेयर रह रहा था, वहीं पर अब 50,711 लोगों के पास में इसका शेयर है, यानी कि लोगों का विश्वास इस शेयर पर से थोड़ा कम हुआ है। ये यही दर्शाता है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी जो इसमें न्यूज था, सबमिशन ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अल्स्टन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड September 30, 2023 एंड द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट देयर ऑन। इस कंपनी में डिलीवरी पोजीशन 10 नवंबर 2023 का है, क्वांटिटी ट्रेडेड 2,51,60,589, डिलीवरी में 2,51,60,589, यानी कि 100% डिलीवरी उठाया गया है पिछले दिन, तो ये सबसे बड़ी बात है। 100% डिलीवरी में अगर कोई भी शेयर, कोई भी कंपनी के शेयर को अगर उठा लिया गया है, तो जरूर ही कुछ ना कुछ खास है।